हे भगवान, अब तो और बचाए बस। अब तो मम्मी, क्या हुआ बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढूं अब? इतनी सारी किताबें, एक हफ्ता बचा है बस। अरे और बच्चे भी तो हैं, वो भी तो देंगे एग्जाम। तू कोई अलग से थोड़ी ना है। मैं तो पहले से कहती थी ना, कोर्स कवर कर ले बेटा, पर पहले तो मेरी बात नहीं मानी तुमने। क्या करूं मम्मी, 2 साल तक तो कुछ पढ़ाई करी नहीं, अब एकदम से आ गया सारा कोर्स सिर पे। मुझे याद था एंड टाइम पे दिक्कत आएगी ये सारी। पहले तो दोस्त, टीवी, मोबाइल, इनसे फुर्सत नहीं मिलती थी तुझे, और अब बस के दी, समझ में नहीं आ रहा। पर सही बात है बेटा, तुम भी क्या करो, 2 साल से स्कूल ही कहाँ जाने में आ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता ज्यादा, तो फिर बच्चे क्या करेंगे। ये कोरोना तो बच्चों के लिए श्राप साबित होके आया है, सारी पढ़ाई चौपट कर दी इसने। और तो और है ना, लिखने की प्रैक्टिस भी छूट गई। कैसे लिखेंगे अब इतना सारा, 15 क्वेश्चन आएंगे ना। पहले तो ये झूठे बर्तन था, यहाँ से कितनी बार बोला है कि यहाँ पे मत रखा कर। सरस्वती जी होती है, ये विद्या होती है, इसकी कदर करोगे तो वो तुम्हारी कदर करेगी। झूठे बर्तन रख देते हो तुम यहाँ पे टेबल पे। हाँ लो मम्मी, वो बोतल भी दे। नहीं मम्मी, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं कैसे करूंगा? मैं एग्जाम नहीं दे रहा मम्मी, मैं एग्जाम नहीं दे रहा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, एग्जाम तो देना है, क्या करेगा घर में बैठकर। पापा ने तो बिजनेस कर लिया, पर तेरे से तो वो भी नहीं संभलना। पर ऐसी बातें करी तो एग्जाम तो देनी पड़ेगी बेटा, हिम्मत रख थोड़ा, सब होगा। अब सबसे पहले ऐसा कर, ये जो सारी कॉपी किताबें फैली हुई है ना, इनको समेट। सारा फैला रखा है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़े। अरे वो तेरी मैडम है ना, लक्ष्मी मैम, उनको फोन लगा, मैं बात करती हूँ। ला। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते, मैं अभिषेक की मदर बोल रही हूँ मैम। हाँ बोलिए मैम, क्या आप थोड़ा टाइम दे सकती हैं क्या मैम? अरे नहीं, आज तो हमें शादी में जाना है। अरे मैम, अभिषेक है ना थोड़ा नर्वस हो रहा है, मैं सोच रही थी आप उसे गाइड कर देती मैम, प्लीज। हाँ पर मुझे एग्जाम की तैयारी भी करनी है। मैम बहुत परेशान हूँ, अभिषेक के पूरे साल का सवाल है मैम। क्यों, क्या हुआ? ये तो एग्जाम देने से ही मना कर रहा है मैम। ओह माय गॉड, फिर शाम 6 बजे आ जाओ पक्का। ठीक है मैम। ओके अभिषेक, मैं क्या सुन रही हूँ बेटा, तुम एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते हो? मैडम सिर्फ 7 दिन बचे हैं और मुझे कुछ भी याद नहीं है मैडम, ज्यादा मैं क्या लिखूंगा पेपर में मैडम। सबसे पहले तुमको मेन बात बताती हूँ बेटा, क्या होता है ना, जो भी एग्जामिनर पेपर तैयार करते हैं वो सोचते हैं कि हार्ड क्वेश्चन पहले डालें, ताकि बच्चा का कॉन्फिडेंस वहीं थोड़ा लूज हो जाए और उसकी परीक्षा हो सके कि उसे कितना याद है। यदि उसे याद नहीं होगा तो शुरू में ही घबरा जाएगा और वो अच्छे से पेपर नहीं कर पाएगा। तो हार्ड क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो, बाद में इजी क्वेश्चन भी हैं। जरूरी नहीं है कि आप हार्ड क्वेश्चन पहले करो, पहले इजी कर लो, उसके बाद सेक्शन वाइज हार्ड क्वेश्चन करो। एग्जामिनर लोग बस ये देखते हैं कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है, बस यही ध्यान रखना है और यही पूरे पेपर में काम आएगा तुम्हारे। देखो बेटा, मैं बताती हूँ इस एक हफ्ते में तुम्हें तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले चलते हैं अपन जो अपने को सामान ले जाना है वहाँ पर, तो उसमें आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आते ही जो मेन एडमिट कार्ड है उसकी लेमिनेशन करवा लें और उसकी 2 फोटोकॉपी निकलवा कर अपने पास रखें, और एडमिट कार्ड पर प्रिंसिपल के साइन है या नहीं ये जरूर चेक कर लें। सेकंड, एग्जाम सेंटर एक दिन पहले ही देख कर आना है, ताकि उस दिन टाइम खराब ना हो। श्योर मैम। 9:30 पर एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है, 10 बजे के करीब तुमको अंदर ले लेंगे। अंदर जाने के बाद आराम से बैठना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। बेटा एग्जाम पेपर हाथ में आते ही हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ो। 20 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा तुम्हें, उसमें देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसे अच्छे से समझो। नोट, हाउ, व्हाट, व्हाई, सबको अच्छे से समझकर फिर अपने को आंसर सोचना है। ऐसे नहीं कि वो पूछ तो हाउ रहा है और अपन आंसर व्हाट का दे रहे हैं। 20 मिनट का रीडिंग टाइम खत्म होते ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू करो, सेक्शन वाइज शुरू करो,
और जो तुम्हें आते हैं वो सबसे पहले कर लो, और यदि कोई क्वेश्चन का कुछ भी आंसर नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो भी तुम्हें मालूम है सब लिख दो, 100% कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। यदि कुछ नहीं लिखा होगा तो एग्जामिनर भी कहाँ नंबर देगा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर ना आते हुए भी कुछ ना कुछ जरूर लिखें। हिंदी के पेपर में 3-4 स्केच पेन जरूर रखें, जो कि विज्ञापन आता है उसमें ड्राइंग के काम आएगा। और एक कोई भी इमेज जैसे कि डोरीमोन की ही ले लो, वो तुम्हें ऐसे पूरी याद होनी चाहिए कि अपने को कैसे बनानी है, हर जगह उसको फिट कर दो। टी शर्ट का विज्ञापन है तो बीच में उसको लगा दो, कहीं भी विज्ञापन है तो डोरीमोन को अपन फिट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस ड्राइंग को पक्का याद कर लो। मैथ्स के पेपर के लिए डी स्केल सभी को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में 1 हफ्ते पहले ही तैयार करके रखना है। बेटा अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है तो अपन आते हैं स्टडी पॉइंट पर। अब तुम्हें सिर्फ फोकस करना है एनसीईआरटी की बुक पर। अब इधर उधर की बुक मत पढ़ना क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, सिर्फ उसी पर फोकस करो और वहीं से तुम्हें क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। एक टाइम टेबल बनाना है और उसमें भी ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। और मैम आप इसमें इसकी मदद करेंगी? जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी इसका। मैम कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो कि बच्चे का ध्यान नहीं रखते होंगे एग्जाम टाइम में, और जैसा आपने बोला वैसा ही मैं पूरा करने की करूंगी। बस आप इससे बोलिए कि ये बिल्कुल टाइम खराब ना करें, क्योंकि बच्चे क्या है ना मोबाइल में टाइम खराब करते हैं और इधर उधर मतलब मोबाइल चलाते चलाते पढ़ाई के बहाने से लेते हैं ये तो मोबाइल, और फिर बीच में कुछ आता है तो वो देखने लगते हैं। नहीं नहीं अभिषेक, इन सब में तुम्हें बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है। अब पहले नहीं पढ़े लेकिन ये हफ्ता तो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है, बस इतना याद रखो। ओके मैम, मैं बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करूंगा, मुझे पता है अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और मुझे इन्हीं 7 दिनों में तैयारी करनी है। हाँ तुम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो हिंदी में लिखने का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वही तुम्हारे मार्क्स कटते हैं। हिंदी में मात्राओं का बहुत ध्यान रखना। श्योर मैम। जो भी आंसर लिखो आंसर के मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसे ज्यादा देखना नहीं पड़े और वो सीधे तुम्हें मार्क्स दे दे। इसके बाद यदि तुमने इधर उधर कुछ गलत भी लिखा होगा बेटा तो वो इतना ध्यान नहीं देगा यदि अंडरलाइन कर रखी है तो। ओके ओके मैम। एक अभी से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि बीच में छूट गई लिखने की प्रैक्टिस तो अपना पेपर तो पूरा होना चाहिए, इतना तो प्रैक्टिस कर लो तुम। ठीक है मैडम। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, उसी में से क्वेश्चन बैठते हैं। और इन सब के बाद मैं आपसे कहूंगी यदि आप 100% अभिषेक का पूरा साथ देंगी तो वो जरूर पास हो जाएगा। जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि मम्मियां जितना ध्यान बच्चों का रख सकती हैं तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, ये बात एकदम सही है। तो आप इसका पूरा ध्यान रखेंगी, आप इसे सबसे पहले तो नींद पूरी लेने दीजिए। मम्मी देखो मैं आपसे कहता था ना कि मुझे पूरी नींद लेने दो, जब मेरी नींद पूरी जाएगी तो मैं अपने आप उठ जाऊंगा, और उसके बाद जो पढ़ाई होती है ना वो बहुत अच्छे ढंग से होती है। जब नींद पूरी होगी तो बच्चा अच्छे से याद कर पाएगा जो भी याद करेगा वो। खाने में इसे जो पसंद हो वो बना कर दो, स्नैक्स वगैरह इसके पास रख दो ताकि जब कभी भी भूख लगे तो ये खा सके और फिर पढ़ाई में मन लग सके। थैंक यू वेरी मच मैम। एक पढ़ाई के समय हल्ला नहीं होना चाहिए, यदि हो सके तो महीने भर के लिए इसे एक कमरा दे दीजिए ताकि ये वहाँ आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। इस समय हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यदि बीमार हो गए तो जो समय अपने को पढ़ाई में देना चाहिए वो डॉक्टर के चक्कर काटने में चला जाएगा और फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी पास होने में, इसलिए इस समय अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखिए। और सबसे लास्ट में मैं यही कहूंगी, बी पॉजिटिव, हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए। यदि मोबाइल चलाने की इच्छा होती है तो थोड़ी बहुत देर चला सकते हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठो तो पूरा ध्यान उसमें होना चाहिए ताकि अपन पास होने लायक तो कर सकें कम से कम। आप घूमो फिरो थोड़ी देर, मोबाइल चला लो थोड़ी देर, क्योंकि दिन भर भी इंसान पढ़ नहीं सकता, पूरा दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। तो मैं भी अपनी बेटी को शाम को ऊपर छत पर लेके जाती हूँ और हम लोग घूमते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, और फिर वापिस वो थोड़ी देर पढ़ती है उसके बाद सो जाती है, फिर सुबह उठती है फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो बस इस तरह का रूटीन रखिए, देखो कैसे पास नहीं होंगे। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मैम। तुम पास हो जाओ बेटा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैम थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। मेरे बेटे का पूरा साल बच जाएगा मैम, और
मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वेलकम मैम, वेलकम।